हमीरपुर जिला में कोरोना पॉजिटिव मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले तीन दिनों से लगातार कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने से कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 99 पहुंच गया है और अब तक जिला हमीरपुर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 201 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी के अनुसार हमीरपुर जिला में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी सतर्कता बरतकर मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर में करवाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लोग गाजियाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद से ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं और ये लोग होम क्वारंटीन के अलावा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रह रहे थे। जिला के लोगों से भी कोरोना बीमारी के चलते एहतियात बरतने का आह्वान किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि कोरोना के अब तक कुछ मरीजों की संख्या 201 पहुंच गई है, जिसमें एक्टिव कोरोना के 99 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि गत देर रात्रि को भी सैंपल की रिपोर्ट आने पर 19 लोग पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग दिन रात कोरोना मरीजों के लिए जुटा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 आजकल इन दिनों में, पिछले कुछ अगर मैं 4-5 दिनों का डाटा लूँ तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चल रहा है। और जैसा कि हम, मैं ये बता दूं कि हमारे पास टोटल फिगर्स अगर मैं शेयर करूं तो अभी तक 201 लोग हैं जो हमारे पास पॉजिटिव केसेस हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो एट प्रेजेंट जो हमारा सबसे ज़्यादा वर्कलोड है वो DCCC NIT पर है, जहाँ हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को रखते हैं, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों को रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 84 के आसपास लोग हैं जो अभी NIT में हैं। एज फार एज कल की ही अगर मैं बात करूँ तो कल हमारे पास 19 मरीज आए। उन 19 मरीजों का अगर हम एनालिसिस लें तो ये सब बाहर के ही लोग हैं। कोई गाजियाबाद से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है और मैक्सिमम लोग दिल्ली से आए हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ बाहर से भी, बाहर की कंट्रीज से भी लोग आए हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे थे, उनमें से भी पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है। डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों की सैंपलिंग में तेजी से काम किया जा रहा है और सैंपल जल्दी होने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए आसानी हो रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए सैंपल लेने के लिए हमीरपुर जिला में 95 सैंपल ले रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सैंपल लिए हैं। इनमें मैक्सिमम लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। ये हमारी रैंडम सैंपलिंग की वजह से हमने खूब अच्छे से, क्योंकि जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम की एक नज़र रह रही है, जो भी माइग्रेंट आ रहा है उसके ऊपर एक नज़र रह रही है। मैं तो ये एक चीज़ यहाँ एम्फेटिकली बोलना चाहूँगी कि हमारे जिला में जो इतने ज़्यादा 200 से ऊपर केस हैं, उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारी टीम की सैंपलिंग पर जाता है और हमारी किस ढंग से हमने उनको स्क्रूटिनाइज किया है। सारे स्टेट में अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा सैंपल, अगर हम मैं बोलूँ तो 9500 के आसपास हम सैंपल ले चुके हैं अभी तक, और अभी भी हमारी टीम्स उसी ढंग से कार्य कर रही हैं। इवन रेड से हटके ग्रीन और ऑरेंज जोन वालों के भी सैंपल उठाए जा रहे हैं, जहाँ हमें सस्पेक्ट लग रहा है कि ही नीड्स टू बी टेकन, ताकि हमारे स्वास्थ्य विभाग का मेरा एक मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकें, और उस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए हम हर कोई संभव प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हमारी ये जो वायरस है वो आगे स्प्रेड ना हो।